दोस्तों नमस्कार। पहले तो मैं आपको सबको याद दिलाना चाहता हूँ विवेकानंद जी की जन्मतिथि पे उनको श्रद्धांजलि, उनकी यादगार नेशनल यूथ डे इसको घोषित किया था माननीय श्री राजीव गांधी ने। दोस्तों आज सवाल वही है, किस बात की पर्देदारी है और क्या छुपाया जा रहा है, किसे किस चीज को बचाने का प्रयास है, सीबीआई डायरेक्टर ऐसी किस बात की तफ्तीश तहकीकात कर रहे थे कि उन्हें रातों रात हटाया गया। कुछ तो है जिससे प्रधानमंत्री जी सरकार भयभीत हैं और इसका रहस्योद्घाटन होना अति आवश्यक है। इसलिए हम मानते हैं कि परतें खुलेंगी, राज उठेंगे, जांच होगी, न्याय होना चाहिए और होगा। दोस्तों मैं आज जो आपने एक प्रकाशित न्यूज पढ़ी है उसके विषय में कुछ कहना चाहता हूं, जिससे साफ जाहिर है कि चौकीदार चोरी से तो जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाए। जस्टिस पटनायक का जो बयान आज आया है, जो आपके समक्ष है, प्रकाशित है, पब्लिक डोमेन में है, वो पूर्ण रूपेण सिद्ध करता है बिना किसी संदेह के कि सीवीसी रिपोर्ट झूठी है, बेमानी है, मनगढ़ंत है, तथ्य विहीन है, काल्पनिक इल्जाम और बनावटी बातों का एक पुलिंदा है। और उस पुलिंदे को एक आधार बनाकर सीवीसी की रिपोर्ट जैसी है वैसी की वैसी लेकर आलोक वर्मा को हटा दिया गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी कल ही 24 घंटे से कम पहले, 15 घंटे पहले मैंने आपके समक्ष 7 बिंदु रखे थे। मैं 2 मिनट में उसको संक्षेप में वापस दोहराना चाहता हूं, क्योंकि उनमें से सभी बिंदुओं का पुष्टिकरण व्यापक रूप से आज पटनायक जी के वक्तव्य ने किया है। मैंने पहले कल कहा था आपको कि नेचुरल जस्टिस, जो न्याय की एक स्वाभाविक शैली है, स्वाभाविक नीति है, स्वाभाविक सिद्धांत है, उसका हनन हुआ है क्योंकि जल्दबाजी में काम हुआ है। और जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई न्यायिक प्रक्रिया भी नहीं थी, कोई सिद्ध पूर्ण फाइंडिंग नहीं थी, उसको भी बिना नेचुरल जस्टिस के हटाया गया, मैंने कल कहा था आपको। नंबर दो, पहले इसको ही लें, नंबर वन को लें। आज पटनायक जी के इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट कहा है, वेरी वेरी हेस्टी, मैं पढ़ दूं आपको, इवन इफ द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द हाई पावर्ड कमिटी मस्ट डिसाइड, द डिसीजन वाज वेरी वेरी हेस्टी। मैं कोट कर रहा हूं, वी आर डीलिंग हियर विद एन इंस्टीट्यूशन। नंबर दो, मैंने कल कहा था कि अस्थाना के बेबुनियाद आरोपों को सीवीसी ने करीब करीब उठा के जैसा है वैसा का वैसा आगे फॉरवर्ड कर दिया, और वो बेबुनियाद आरोप, सिर्फ आरोप जो सीवीसी रिपोर्ट में परिलक्षित हुए, वो पहुंच गए समिति में और समिति ने उनको उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी डिसेंट के साथ। क्या कहा पटनायक जी ने, और मैंने आपको कल 10 में से 4 विशेष रूप से विश्लेषण किए थे आरोप, मैंने कोट किया था सीवीसी से, ये मेरा कल की बात बता रहा हूं। अब आज की बात पे आइए, पटनायक जी के प्रकाशित वक्तव्य में, देयर वाज नो एविडेंस अगेंस्ट वर्मा रिगार्डिंग करप्शन, मैं कोट कर रहा हूं वापस, मेरी शब्द नहीं है, देयर वाज नो एविडेंस अगेंस्ट वर्मा रिगार्डिंग करप्शन, द एंटायर इंक्वायरी वॉज हेल्ड ऑन सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना'स कंप्लेंट। I have said in my report that none of the findings in the CBC report are mine. ये एक अलग बात है, none are mine एक अलग बात है। पहली बात सुनिए, the entire inquiry was held on CBI Asthana's complaint. तीसरा, मैंने कहा था कि पटनायक जी ने किसी रूप से inquiry, तहकीकात नहीं की थी। उन्होंने पहले भी ये कहा था, ये मैंने कल कहा,
और उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ फॉरवर्ड किया और ये देखा कि आम तौर पे भाई सबकी सुनवाई हो रही है, सब लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं, ये देखा, तो सुपरवाइजरी रोल। पटनायक साहब क्या कहते हैं आज, द सीबीसी फॉरवर्डेड टू मी अ स्टेटमेंट ऑफ 9 नवंबर परपोर्टेडली साइंड बाय श्री राकेश अस्थाना, परपोर्टेडली वर्ड बड़ा महत्वपूर्ण है, आई मे क्लैरिफाई दैट दिस स्टेटमेंट परपोर्टेडली साइंड बाय अस्थाना वॉज नॉट मेड इन माई प्रेजेंस। ये दूसरी बार परपोर्टेडली इस्तेमाल करते हैं वो एक ही दो ही वाक्यों में। और नेचुरल जस्टिस का जो मैंने पहला मुद्दा कल उठाया था उसमें पटनायक साहब कहते हैं, द सुप्रीम कोर्ट एंट्रस्टेड मी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजिंग सो आई इंश्योर्ड माई प्रेजेंस साना एविडेंस एक्सेट्रा एंड आई इंश्योर्ड दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाज अप्लाइड। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन उदाहरणों के जरिए, और आपको ये कोटेशन दिए जाएंगे, कि ये किस प्रकार की स्पिन डॉक्ट्रिन है, पीएचडी हो या एमफिल हो, जो कभी कहती है पटनायक जी का नाम, कभी कहती है कि समिति ने सब सोचा किया, समिति ने 15 मिनट आधे घंटे एक घंटे की मीटिंग में 1000 पेज के एनेक्स्चर्स, 50 पेज की रिपोर्ट जो मुख्य रूप से आधारित है अस्थाना के आरोपों पे, उसका अवलोकन भी कर लिया, निर्णय भी कर लिया, निश्चय भी कर लिया, हटा भी दिया। इसका एक ही उद्देश्य था, अत्यंत जल्दबाजी, बहुत ज्यादा चिंता, टेयरिंग हरी कि ये कार्यान्वित करना है निर्णय आज अभी इसी वक्त इसी क्षण। क्यों? इसलिए क्या कि सत्तारूढ़ सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार के विरुद्ध लगातार प्रश्न उठ रहे हैं बहुत बड़े गंभीर मुद्दों पे, इसलिए क्या ये टेयरिंग हरी थी, ये तुरंत काम करने की, कुछ चंद क्षणों में 1000 पेज के एनेक्स्चर्स और 50 पेज की रिपोर्ट का अवलोकन करके निर्णय करने की, कि क्या सीबीआई डायरेक्टर रफेल की फाइलों की तफ्तीश कर रहे थे, तहकीकात कर रहे थे, क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य जो करीब थे उनके बारे में कोई निर्णय या कोई प्रमाण या कोई प्रूफ आने वाले थे, और क्या इसीलिए तुरंत उनको स्थानांतरण करना था। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं आपको कि हमारी कई मांगे हैं, लेकिन अगर मैं सूक्ष्मता से आज समराइज करूं तो पहली मांग है कि हाई पावर्ड कमेटी को तुरंत रिकन्वीन किया जाए, समिति को तुरंत वापस बुलाया जाए। दूसरा, आलोक वर्मा को पुनः तुरंत नियुक्त किया जाए। तीसरा, उनके 77 दिन जो 2 वर्ष के फिक्स्ड टर्म में गवाए गए वो वापस 77 दिन उनके सौंपे जाएं उनको। और साथ साथ नंबर 4, आलोक वर्मा पर लगाए जितने भी आरोप हैं, जो आज बड़ी रोचक बात है कि समिति ने इनको हटा दिया, और समिति के हटाने के बाद आज सीबीसी कह रही है कि मैं आरोपों की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही हूं, आज आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए हमारा चौथा मांग है कि आलोक वर्मा पर लगाए गए आरोप की जांच हाई पावर्ड कमेटी द्वारा हो, क्योंकि ये सिर्फ एक बदनामी करने की प्रक्रिया है, लीक करके इन्फॉर्मेशन कि हमने तो हटा दिया है, लेकिन अब हम इनकी इंक्वायरी करने वाले हैं, 1, 2, 3 जो आज आपने प्रकाशित देखा है।